नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? मनजीत कौर। मैम, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 25 साल सेवा कर दें। कैसा अनुभव रहा है आपका डेरा सच्चा सौदा के साथ? बहुत ही वधिया लगता है इतने रहना, घर नालों भी ज्यादा बहुत वधिया सारा कुछ। संत जी का स्वभाव कैसा है? बहुत ही वधिया, दे बेटे बेटियां नालों भी सानू वध समझदे है, प्यार रखदे है, भी एहो जी गल कोई नहीं जड़ी भी दुनिया ने डाई है फा झूठी, ये तो सब कुछ झूठ है। बेटियों के लिए कैसी सुरक्षा है यहाँ पर? ये तो बहुत वधिया, आदियां बेटियां नालों वध समझदे। मीडिया में 4 साल पहले काफी अफवाहें दिखाई गई थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो सब झूठ ही है ना, बाकी सरकारां मगर लग के जिवें सरकारां बनाई जांदियां गांधू गां सब कुछ झूठ। तो पिता जी इस बारे कोई गलत नहीं सोचते, कदे सोचना भी नहीं उन्होंने, तो सोचते भी नहीं। तो हुण भी सरकार कहिंदी संगत भी जिवें टुट जे किसी बहाने नाल, पर वधदी आ संगत, टुटदी नहीं। कोई सवाल है, यकीन है, कुछ उन्होंने मिलता तां ही जुड़दी संगत, इन्नी ऐसा कोई आपां इक बंदे नूं नहीं जोड़ सकते, घर का परिवार नहीं इकट्ठा जोड़ सकते रख सकते आपां। तो उन्होंने कोई मिलता कुछ, खुशी मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, घर कोठियां बनिया बनाइया जिवें उतरे आउंदियां, घर का सारा कुछ माहौल वधिया हुंदा है, तो तां ही संगत जुड़दी है, तां ही आउंदी है। एक बंदा आउंदा ते चार नाल होर लिआउंदा, हुण भी इस टाइम भी। मैम, इतना विश्वास, इतनी जो आपके अंदर ये गुरु जी के प्रति जो इतना विश्वास है, क्यों है? ये क्या मिलता है आपको ये सब कार्य करके? सानू तंदुरुस्ती मिलती है, खुशी मिलती है, घर का परिवार देखा सारा, तो घर में बहुत खुशियां है, तो इतने आके बहुत खुशी मिलती है, डेरे च आके सानू कमी नहीं रही। जी रात कोई मंग मंगते सुबह पूरी होंगी साड़ी, जिहड़ी भी सुबह मंगते रात को पूरी हो जाती है। मैम, फिर ऐसे संत जी के ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? ये सरकार ने कोई खेडी है चाल, इन्हों का तो कोई कसूर नहीं, पैसा दे दे के हम जिन्होंने इल्जाम लाए वो भी रोंदे पे है, वो भी अगले कहें भी इस तरह फस गए जाल च। सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे? असं कहने बस सच्चाई सामने आनी चाहिए है, सच्चाई आऊगी भी साडे गुरु आपे सच्चाई लियाउणगे, ये झूठ तो झूठ ही आऊगा, सामने सच तो सच ही आऊगा। तो दोस्तों देखिए, लगातार महिला को यही कहना है कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा, और ये सब उन लोगों का किया हुआ है जो नहीं चाहते थे समाज से बुराइयां खत्म हो, नशे खत्म हो। आप इस बारे में जरूर सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम।